सर, सब खजूरों के बीच से आपका इस्तेमाल करते ये शब्दों सफ़ेद मीनार मस्जिद कुबा के हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 8 रबीउल अव्वल सन 13 नबी में यसरब की इस बैरूनी बस्ती कुबा में पहुँचे तो ये बस्ती मदीनतुल नबी में बदल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ 14 रोज़ क़याम किया और इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। आज हफ्ता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप मदीना मुनव्वरा से हफ्ता के रोज़ मस्जिद कुबा में नवाफल अदा करने के लिए तशरीफ़ लाते। इसी वजह से आज ज़ायरीन का गैर मामूली रश है। जो यहाँ अकीदत अहतराम और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए यहाँ जोग दर जोग हाज़िर होते हैं, नवाफल अदा करते हैं और मकबूल उम्रे का सवाब पाते हैं। एक और हदीस मुबारक में है, जो शख्स घर में से वुदू करके मस्जिद कुबा आए और 2 रकत नमाज अदा करे तो उसको उम्रे जितना सवाब मिलेगा। तो इसलिए ज़ायरीन को मस्जिद कुबा में हाज़िर होकर नमाज पढ़ने का अहतमाम करना चाहिए और बेहतर यही है कि मदीना में जहाँ क़याम हो वहीं से बावजू होकर मस्जिद कुबा जाएं और वहाँ जाकर नमाज पढ़ने का अहतमाम करें। मस्जिद कुबा मदीना के जनूब में वाक़े है। ये मस्जिद नबी से 5 किलोमीटर के फासले पर है। इसमें एक कुआं है जो अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला के नाम से मशहूर है। मस्जिद कुबा कुलथूम बिन हदम के ज़मीन पर कायम की गई। इस मस्जिद का पहला पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से किबला रुख रखा। इसके बाद हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक एक पत्थर रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। इस मस्जिद का जिक्र कुरान करीम की सूरह तौबा आयत नंबर 108 में इस तरह है, इरशाद रब्बानी है, जो मस्जिद अव्वल रोज़ तक्वा पर कायम की गई थी वही इसके लिए ज़्यादा मौजू है कि तुम इसमें इबादत के लिए खड़े हो। इसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहना पसंद करते हैं और अल्लाह को पाकीज़गी इख्तियार करने वाले ही पसंद हैं। सूरह तौबा। मुनाफिकीन ने इस मस्जिद के बिलमुकाबल एक मस्जिद तामीर की तो उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें नमाज अदा करने की दावत दी तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए वही भेजी। कुछ लोग जिन्होंने एक मस्जिद बनाई इस गर्ज के लिए कि दावत हक़ को नुकसान पहुँचाएँ और अल्लाह की बंदगी करने की बजाय कुफ्र करें और अहले ईमान में फूट डालें और इस बज़ाहिर इबादतगाह को उस शख्स के लिए कमीनगाह बनाएं जो इससे पहले अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हो चुका है, वो ज़रूर कस्में खाकर कहेंगे कि हमारा इरादा तो भलाई के सिवा दूसरी चीज़ का दर था, मगर अल्लाह गवाह है कि वो कतई झूठे हैं। तुम हरगिज़ इस इमारत में खड़े ना होना। सूरह तौबा आयत नंबर 107। कुरान करीम ने मुनाफिकीन की मस्जिद को मस्जिद जर्रार का नाम दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ज़मीन बोस करने का हुक्म जारी किया, जबकि कुरान मजीद में मस्जिद कुबा को मस्जिद तक्वा के नाम से याद किया गया है। तहवील क़िबला के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ खुद तशरीफ़ लाए और सब के साथ मिलकर क़िबला के रुख का तुय्यन किया और तमीम व इस्लाह में हिस्सा लिया। मस्जिद कुबा की मुख्तलिफ़ अदवार में तोसी होती रही है। सबसे पहले हलीफा स्वयं हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तोसी करवाई, जबकि
अब तक की सबसे बड़ी और आखिरी तोसी खादम हरमैन शरीफैन शाह फहद बिन अब्दुल अजीज़ ने करवाई। चार मीनार बनवाए, कदीम नक्शे का ख्याल रखा गया, नई मस्जिद कुबा जनूबी और शुमाली दलान की शक्ल में बनाई गई, दोनों के दरमियान खुला सहन बनाया गया। इसमें छः बड़े गुंबद हैं, हर एक गुंबद का कुतर 12 मीटर, जबकि 56 छोटे गुंबद हैं जिनमें हर एक का कुतर 6 मीटर। मस्जिद का कुल रकबा 13,600 मरबा मीटर है। मस्जिद में एक आलीशान लाइब्रेरी और ज़ायरीन के लिए मार्केटिंग एरिया भी रखा गया है। अल्लाह से दुआ है कि हमें अपने फजल व रहमत से अपने और अपने महबूब के दर की बार बार हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन।